हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सुहेल मैकेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हमारी रेस बाइक का एडजस्टमेंट आरपीएम कैसे करना, जो आरपीएम होता है बाइक का उसको हम किन किन जगह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी बाइक में स्प्लेंडर प्लस में। अगर आपको एचएफ डीलक्स का पता करना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने एक्सीलेटर से शुरू करते हैं, जहाँ से हम अपने आरपीएम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इतनी हमारी बाइक में प्ले है। अगर इतनी प्ले रखना नहीं पसंद हो आपको तो यहाँ से इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, इस तरह से डिब्री नट दिए जाते हैं, इसको हम जितना लूज करेंगे ये उतनी ही हमारी ये प्ले जो होगी ये टाइट होती ही चली जाएगी। तो सबसे नंबर एक, यहाँ से हम अपने आरपीएम को एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारा आरपीएम ज़्यादा है। और अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से अपने केबल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपने मुट्ठे में प्ले ला सकते हैं। अगर फिर भी हमारा यहाँ से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो एक सबसे जो मेन कारण, अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे एक हमें स्क्रू एंड वील्ड मिल जाएगा, ये देख पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो स्क्रू लगा हुआ है इससे हम अपनी रेस को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जो एक मेन इसका स्क्रू होता है एडजस्टमेंट करने का, स्प्लेंडर BS6 बाइकों में ज़्यादातर दिया जाता है, बाकी जो बाइकों आती हैं HF डीलक्स में हमें नहीं दिया जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रू दिया जाता है, इसको जितना हम लूज़ करेंगे हमारी रेस उतनी बढ़ेगी और जितना हम इसको कम करेंगे उतनी हमारी रेस घटेगी। तो कुछ इस तरह से स्प्लेंडर प्लस बाइक में आप रेस का आरपीएम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जिससे कि अगर आप ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो तभी कराएं जब आपकी बाइक DLC कनेक्ट हो, मतलब डाटा लिंक कनेक्टर आपकी बाइकों में लगा हो और लैपटॉप में इसकी रीडिंग दिखाता है कि हमारी बाइक 1400 से 1600 RPM के बीच में रहनी चाहिए, जिससे कि जो BS6 बाइक होंगी उससे हमारी बाइक में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम स्पेस से एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारी बाइक बंद होने के चांसेस और वह कहीं पे बैठने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ इस तरह के स्टेप थे इसमें, चलिए बताते हैं। यहाँ से नंबर वन एक ये स्टेप, नंबर दूसरा एक ये स्टेप, नंबर तीसरा यहाँ पर एक पेंच लगा हुआ है और नंबर चौथा एक स्क्रू RPM वाला। तो ये चार स्टेप थे इसके जो कि हमने आज के स्टूडियो में बता दिए। तो चार स्टेप थे जो आज की वीडियो में हमने बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जान गए होंगे स्प्लेंडर प्लस BS6 में RPM कहाँ से एडजस्ट किया जाता है। माफ़ी चाहते हैं इस वीडियो में हम बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये बाइक हमारी फुल्ली ओपन है। तो यहाँ पे देखें, हमारे बाइक में फ्यूल टैंक वैंक कुछ नहीं रखा हुआ है, इसकी वजह से हम बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो एयर पाइप भी लगा हुआ है, यहाँ से लगाया जाता है जिससे कि हमारी बाइक का RPM सोल्यूशन मतलब फ्लेक्सिबल बना रहता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्टर सुहेल मैकेनिक, तो आप जान गए होंगे स्प्लेंडर प्लस BS6 में RPM को कहाँ से एडजस्ट करना है।